मैं राजू शंकर तेलकर, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे प्रेस बाज़ार में कम से कम 2-3 हज़ार लोगों का आवक जावक है, तो उसी किसी काम से मम्मत भाई वहाँ पे कुछ काम करने आए थे तो उनको कुत्ते ने काट लिया है। तो मेरी महानगर पालिका से यही अपील है कि जो भटके कुत्ते हैं उनका जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाए। मैंने यहाँ पे भी उनको इंजेक्शन वगैरह सेंट्रल हॉस्पिटल में लगाया। सिस्टर से पूछा, जूने पेशेंट 49 है और नए 49 है, तो रोज़ का इतना यहाँ पे कुत्ते लोग को काट के जो काटते हैं, तो यहाँ पे कम से कम इतने लोगों को 100 लोगों को यहाँ पे इंजेक्शन लगता है। प्राइवेट में जाएगा तो उसका कम से कम 600 रुपया खर्चा होता है। ये तो सेंट्रल हॉस्पिटल है, उनको मैं मनपूर्वक शाबाशी देता हूँ कि यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह वो लगाते हैं। अगर जिनके पास पैसा नहीं वो तो बेचारे, उनका क्या होगा। तो महानगर पालिका ने जो भी भटके कुत्ते हैं, जो भटकते हैं, उनका जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाए उनका। यहाँ पे अब एक छोटा बच्चा भी है, रुद्र नाम उसका है, राशेले गांव से आया है। तो एक छोटा बच्चा है, उसको कम से कम 4 इंजेक्शन लगाता है, तो उनको वेदना भी होती है और तकलीफ भी होती है। यहाँ पे लेके आना, फिर वापस लेके जाना, और 4 इंजेक्शन उनको लगाना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है महानगर पालिका से, भटके कुत्तों का जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।